वेरियावन के लोग बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बिजली के थर्ड क्लास मेंटेनेंस से खास भारी खफा है। उपभोक्ताओं की माने तो बिजली विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। उनके मुताबिक विभाग बिल तो तगड़ा वसूलता है मगर मेंटेनेंस करने में बहुत कमजोर है। अचानक बिजली की तारें टूट जाने से जितनी परेशानी आम उपभोक्ताओं को उठानी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा आर्थिक नुकसान विद्युत विभाग को भी उठाना पड़ता है। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में विभाग आज भी पुरानी पद्धति पर ही काम कर रहा है। यदि आधुनिक तरीके से ट्रांसफार्मरों और तारों का जाल बिछाए तो इससे विभाग की आमदनी तो बढ़ेगी ही, उपभोक्ताओं को भी भारी राहत मिलेगी। स्पार्किंग तो होते रहता है, वो तो कॉमन है, क्योंकि पुराने हैं तो स्पार्किंग होना सहज की बात है। कितना जरूरी है सुधार? बहुत जरूरी है सुधार करने के लिए। बरसात में सर कहीं भी स्पार्किंग हुआ या हवा तूफान आया तो हिलना डुलना, वायर यदि टूट के गिर गया घर में, कोई बच्चे हैं या हम ही हैं तो जनधन की हानि भी हो सकती है, ये डर है। मेंटेनेंस नहीं, वो क्या कुछ फॉल्ट हुआ आके देखते हैं उसी को फिर वापस ये कर देते हैं। नहीं तारे यूज नहीं, नहीं तारे यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, सिस्टमेटिक नहीं। और इसी साथ बड़े फ्लाइट नहीं।